जो है उसमें से 5 भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, 5 का आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रुखसार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन स्कीम्स। लाइक आईआईटी में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आईआईटी 2 टाइप्स में कंडक्ट होती है, जैसे जेईई का एग्जाम जो हमारा होता है वो हमारा 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेंस एंड सेकंड इज एडवांस, जो कि हमने पहले भी ओवरव्यू इसका देखा है। अब आज हम बात करेंगे टोटली मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में। लाइक मेंस का जो एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट होता है, कैसे उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि हमें पता है पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है, इसमें भी ये कैसे डिवाइडेड है। सो पेपर 1 में आपका आता है बीई एंड बीटेक, पेपर 2 में आपके ए एंड बी है, लाइक बी प्लानिंग एंड बी आर्किटेक्ट। सो लाइक ये एक पैटर्न होता है आईटी एंड जेई के एग्जाम का, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का, मेंस एंड एडवांस। आज हम पूरी बात जो करेंगे वो मेंस के ऊपर करेंगे, लाइक मेंस का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेई मेन एग्जामिनेशन। सो इसमें सब्जेक्ट क्या कंटेन होते हैं, इनकी लाइक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, कितने अटेम्प्ट करते हैं, मोड ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं एंड हमें टाइम कितना मिलता है इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए। सो आज इस चीज पे प्रॉपर मेंस के हम ऊपर बात करेंगे कि जेई मेंस का बीई बीटेक जो पहला पेपर माना जाता है पेपर 1 को, वो कैसे कंडक्ट होता है। सो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इसका कैसे रहता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जिसको आपको सेंटर पे जाके आपको एक सिस्टम प्रोवाइड होता है, वहां पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता है। ये पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं है, ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसकी ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम क्या है, इसकी है ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 आवर। लाइक आपको 3 आवर मिलते हैं इस एग्जाम को प्रॉपर करने के लिए, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। टोटल सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लाइक पी सी एंड बी आपको सब्जेक्ट होते हैं आपके इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है आस्क्ड, पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, टोटल 90। अब ये 90 कैसे, लाइक 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था 30 क्वेश्चन का फॉर्मूला, 30 क्वेश्चन जैसे, एक सेकेंड, जैसे आपका ये पी सी और बी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो पी सी बी में 30-30 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड है, 20 एंड 10। लाइक 20 जो आपके रहेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू, और 10 जो आपके रहेंगे वो न्यूमेरिकल रहेंगे। जैसे कि अब आप इसमें से आप अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं, 75 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइक 25 फ्रॉम ईच सेक्शन। जैसे 20 तो आपको मैंडेटरी है, एमसीक्यू तो आपको करने ही है अटेम्प्ट। 10 में आपको चॉइस मिल जाएगी, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप जो है उसमें से 5 भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, 5 का आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो टोटल आपका 25 क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो 25। अब अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे अगर एमसीक्यू की मैं बात करूं तो एमसीक्यू जो है वो 20-20 ईच से अगर हम देखें ऐड करके, सो ये टोटल जो हुआ हमारा वो 60 ही तो हुआ, लाइक 60 ही तो हुआ।
अब ये टोटल क्वेश्चन कितने बन गए एमसीक्यू के हमारे 20-20 ईच सब्जेक्ट से हो गए हमारे 60 क्वेश्चन हो गए। अब फोर ऑप्शन ईच हर किसी क्वेश्चन में हमें फोर ऑप्शन मिलेंगे ठीक है। इसका जो वन अगर करेक्ट आप करते हो तो आपको इसमें आपको प्लस फोर का मार्क्स मिल जाता है मार्किंग स्कीम में। अगर आप नेगेटिव करते हो लाइक इनकरेक्ट आप करके आए हो वो क्वेश्चन तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। अगर आपको अटेम्प्ट जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसका विल नॉट बी मार्क्स, उसका मार्किंग कुछ नहीं होगा लाइक उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अगर आपने अटेम्प्ट किया है और वो गलत हो गया सो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, वरना तो उसमें प्लस फोर का आपका नंबर एड हो जाएगा। एंड न्यूमेरिकल बेस में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ एमसीक्यू में ही होती है। ओनली इन एमसीक्यूज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ओके। मैक्सिमम मार्क्स इसके 300 मार्क्स का ये पेपर होता है टोटल। इसके मीडियम ऑफ पेपर की मैं बात करूं तो आप इंग्लिश हिंदी उर्दू लाइक ऑल सेंट्रल सिटीज रीजनल लैंग्वेजेस में आप ये पेपर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर टू विच इज बी प्लानिंग। जो बच्चे बी प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये वाला पेपर भी दे सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका भी क्या रहता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम कितनी हमारे 3 आवर्स की हमारी एग्जाम की ड्यूरेशन है। टोटल सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, पीसीएम तो आपका रहेगा ही लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है बैचलर ऑफ प्लानिंग, सो इसमें प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके एंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी asked मैथमेटिक्स में आपके 105 क्वेश्चंस टोटल आपका 105 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड से आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, प्लानिंग बेस्ड से आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। तो ये टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके नंबर क्या है, 105 नंबर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर जो आपको आंसर करने हैं कितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक आप इसमें से 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 का आपको रिलैक्सेशन मिलता है पर वो किस में, अब ये देखते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे कि मैंने बताया 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से आपके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, आप 5 उसमें से छोड़ सकते हो, 25 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको 50 क्वेश्चन मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी आप करोगे। प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन में भी कंपल्सरी है कि आपको 25 ही करने होते हैं। बस आपको मैथमेटिक्स में एक रिलैक्सेशन मिल रहा है वो भी 5 का, जैसे कि कॉन्सेप्ट था 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिकल, तो इस 10 न्यूमेरिकल में से ही आपको जो है 5 का रिलैक्सेशन मिलता है, इसीलिए ये 25 यहाँ पे मेंशन है। तो ये टोटल मिला के ये कितना हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। सो अब हमने देख लिया कि ये ऐसा हमसे पूछा जाएगा और हम इतने अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे कि अभी मैंने बताया, अभी आपको क्लियर किया है कि मैथ्स में हमारे 20 क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, मैथ्स में हमारे 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 10 में हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछी जाती है जिसमें से हमें 5 अगर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं और 5 हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं 25 टोटल मिला के, ये तो 30 हो रहे हैं लेकिन हम इसमें से 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 एमसीक्यू होते हैं, प्लानिंग बेस्ड में 25, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है कोई भी। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो जहां आपका करेक्ट आंसर रहेगा वहां पे आपको प्लस 4 की मार्किंग होगी, जहां आपका इनकरेक्ट होगा वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं की है उसकी कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे ना ही नेगेटिव में जाएंगे। एंड इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 400 मार्क्स का ये पेपर होता है ओके। एंड मीडियम ऑफ द पेपर इज इंग्लिश हिंदी एंड द सेम क्राइटेरिया of languages. Apart from this, we have paper number 2, which is B architect.
सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका कैसे रहता है, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें आता ही है, वो हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। इसका थोड़ा सा मोड ऑफ एग्जामिनेशन अलग है, जो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एंड बी प्लानिंग के साथ, इसका थोड़ा सा अलग है बी आर्किटेक्ट का। इसमें मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का, वो तो आपका सीबीटी हो जाता है। लेकिन अगर मैं ड्राइंग, क्योंकि ये आर्किटेक्ट है यानी लाइक नक्शे वगैरह बनाना या किसी चीज का स्ट्रक्चर वगैरह, सो ड्राइंग इसमें आती है, जिसको आपको पेन एंड पेपर मोड में ही करना होता है। सो इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चंस होते हैं और पीसी के भी जो क्वेश्चन होते हैं लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के, उसमें आपका एप्टीट्यूड भी आ जाता है, वो हो जाता है आपका सीबीटी, और ड्राइंग का जो हो जाता है वो आपका हो जाता है पेपर एंड पेन टेस्ट। सो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इसका भी 3 आवर है, सेम क्राइटेरिया, टोटल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एप्टीट्यूड एंड ड्रॉइंग टेस्ट इसमें ऐड हो जाता है। नंबर ऑफ आस्क जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे 82, मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन, ड्रॉइंग से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर जो आपको अटेम्प्ट करने हैं या जिसके भी आंसर आप दे सकते हो, इसके टोटल नंबर है 77। सो आप मैथमेटिक्स में से कितने अटेम्प्ट कर सकते हो 30 में से 25, वही सेम क्राइटेरिया 2010 का। आप न्यूमेरिकल में आपको 5 का रिलैक्सेशन मिलता है, सो आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हो। एप्टीट्यूड में आपके 50 रहेंगे, ड्राइंग आपको दोनों ही बनानी पड़ती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में 20 एमसीक्यू प्लस 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में 50 एमसीक्यू बेस्ड, ड्राइंग आपके 2 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा पेन एंड पेपर पर। मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं, सो अब मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। जैसे कि अब हमने क्वेश्चन का तो देख लिया, क्राइटेरिया है क्या, सो अब इसकी मार्किंग स्कीम मार्किंग स्कीम कैसी है इसकी, फॉर एमसीक्यूज प्लस 4 मार्क्स कंटेन, लाइक अगर आपने कंटेन करेक्ट किया तो आपको प्लस 4 का मार्क्स मिलेगा, अगर वहां पे आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग -1, और जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चन तो उनका तो कोई मार्क्स ही नहीं मिलेगा। एंड फॉर ड्रॉइंग टेस्ट वी हैव 100 मार्क्स, लाइक 50-50 के 2 क्वेश्चन कंडक्ट होते हैं इसमें, तो ये टोटल जो है 100 मार्क्स का हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्सिमम मार्क्स इसमें टोटल कितने हैं आपके, 400 मार्क्स है। इसका मीडियम ऑफ द पेपर भी सेम है, इंग्लिश हिंदी उर्दू एंड ऑल सेंट्रल सिटी रीजनल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर कंडक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो ये जो क्राइटेरिया था ये मेंस का क्राइटेरिया था प्रॉपर, कि 3 पेपर वो कैसे डिवाइडेड हैं, क्या क्या इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस मेथड में हमें आंसर करने हैं, कितने हमें आंसर करने हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। सो लाइक आज हमने मेंस की प्रॉपर बात कर ली है, अब हम अगली वीडियो में मेंस के सिलेबस जो सब्जेक्ट के होते हैं वो सिलेबस में लाइक क्या क्या पूछा जाता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।